हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन इन टू अनदर वीडियो। तो यार हमारी आज की वीडियो होने वाली है पोकेमॉन होराइजन एपिसोड 32 के प्रीव्यू और रिलीज डेट पर। आज हम बात यहां पर करने वाले हैं कि इस एपिसोड में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है, इसके स्पॉयलर्स क्या होने वाले हैं और हमें कौन कौन सी अपकमिंग चीजें जो है उनके रिलेटेड यहाँ पर इंडिकेशन दी जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, पोकेमॉन होराइजन के एपिसोड 32 के टाइटल से बात को शुरुआत करते हैं। तो इस एपिसोड का टाइटल है द मेमोरीज ऑफ लैप्रस। यहाँ पर पास्ट मेमोरीज जो है वो लैप्रस के माइंड में आने वाली है। उसके अलावा जैसे कि हमें एपिसोड 31 में देखने को मिला हमारे हीरोज जो थे उन्होंने लैप्रस से इनकाउंटर किया और लैप्रस जो था उसने एक्सचेंज में इन सभी पर अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि लैप्रस को अभी तक कुछ भी एंशियंट टाइम के बारे में याद नहीं है, उसको अपने पास्ट याद ही नहीं है। इस वजह से उसको नहीं पता कि टेरापेगस कौन है, लीकू कौन है या फिर ये लोग यहां पर करने क्या आए हैं। तो फ्रेंड्स, एपिसोड 32 का हमें प्रोमो देखने को मिला है जो कि मैंने अपने चैनल पर भी अपलोड किया, तो आप अगर देखना चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें देखने को मिलेगा कि हमारे हीरोज जो होंगे फुल लैप्रस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे होंगे, यानी लैप्रस और उसके कुछ साथी जो होंगे वो इन पर अटैक करेंगे और जो शिप है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन somehow लीकू और जो टेरापेगस हैं ये मैनेज करके वहां से एस्केप कर जाएंगे। तो ये एक आइलैंड पर जाएंगे जो कि बेसिकली एक केव है, उस केव के अंदर जाएंगे। वहां पर लैप्रस जो होगा वो इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, लीकू पर अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो हमारा टेरापेगस है वो मैदान में आ जाएगा और वो लैप्रस को समझाने की कोशिश करेगा और उसको याद दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन लैप्रस को कुछ भी याद नहीं आएगा। उसके बाद फिर लीकू जो होगी उसके बैग में जो पोकेबॉल्स हैं, जो बाकी एंशिएंट पोकेमॉन की पोकेबॉल है जैसे अर्बुलेवा मोल्ट्रेस और जो बाकी पोकेमोन है वो शाइन करने लग जाएगी। जैसे ही वो शाइन करेगी तो लीकू जो होगी वो उसको बाहर निकालेगी और बाहर जैसे ही निकालेगी तो उससे और जो लैप्रस है इन तीनों से एक ऑरा निकलेगा जो कि सीधा जाकर टेरापेगस के अंदर जाएगा और टेरापेगस उसको अब्सॉर्ब करके अपनी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहां एपिसोड 32 में जो लीकू का टेरापेगस है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। तो इस तरह फिर लैप्रस की तमाम मेमोरीज जो है वो पास्ट वाली वापस आ जाएंगी और लैप्रस को आइडिया हो जाएगा कि वो कौन है और एंशियंट हीरो कौन था और उसने पास्ट में क्या क्या किया। और वैसे भी यहाँ पर जो लैप्रस है वो वाकई ही एक अलग ही लेवल पर है, उसका जो डिजाइन है, उसकी जो आर्ट है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की, और मुझे नहीं लगता कि पोकेमॉन होल सीरीज में हमें कोई ऐसा लैप्रस देखने को मिला होगा जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल हो। तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल है और आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट लैप्रस में से एक लैप्रस ये वाला है। उसके अलावा यहाँ पर इस एपिसोड के एंड पर फिर जब टेरापेगस जो होगा वो अपनी फाइनल एवोल्यूशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसके बाद फिर लैप्रस जो होगा उसको लीकू कैच कर लेगी। और यहाँ पर एपिसोड 32 के अंदर एंड पर हमें देखने को मिलेगा एक तो लीकू लैप्रस को कैच कर लेगी, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारा टेरापेगस है वो अपनी हिडन फॉर्म जो है उसको अनलॉक कर लेगा। तो फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा एपिसोड होने वाला है और इसको 10 out of 10 में देने वाला हूँ अभी से, क्योंकि ये एपिसोड जो है ये एक अलग ही लेवल पर होने वाला है। उसके अलावा आपने एपिसोड 31 में देखा कि पिकाचू ने किस तरह धमाल मचा दी और उसने अपनी पावर्स का किस तरह यूज किया, और यहां से एक बात का तो अंदाजा हो गया कि जो फ्रीड का पिकाचू है, जो कैप्टन पिकाचू है, वो एक अलग ही लेवल पर है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस एपिसोड के रिलीज डेट की। तो ये जो हमारा एपिसोड है ये रिलीज होने वाला है दिसंबर 8 को फ्राइडे वाले दिन 2:55 पर। आपको ये लाइव देखने को मिलेगा, पोके कालोस के नाम से ट्विटर पर एक अकाउंट है वहां पर। तो अगर तो आप इस एपिसोड को देखना चाहते हैं तो आप फ्राइडे वाले दिन इस एपिसोड को ऑन द टाइम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।